तो आज हमारा डॉ फोटोशॉप 2020 की सीरीज का लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्स्ट, मतलब कि लिखना। ठीक है, ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल टाइप टेक्स्ट। अभी आप देख लो वीडियो के, ये वीडियो में क्या कर रहा है, जस्ट लिख रहा है। देन हम भी इसे सिलेक्ट करते हैं और राइटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ अडोब फोटोशॉप, ये मैंने लिख दिया अडोब फोटोशॉप गाइस। ओके, अभी मैंने अडोब फोटोशॉप लिख के यहाँ से ये ओके कर दिया, या एंटर कर दें, एंटर नहीं, यहीं से ओके करना आपने। ये मैंने ओके कर दिया गाइस। ओके, मैं एंड वी प्रेस करके मैं अपने कर्सर की तरफ आता हूँ, एरो की तरफ, इसे मूव करने की तरफ। अच्छा गाइस, जब मैंने ये लिखा तो जो सी बैकग्राउंड लेयर थी ना, वो अलग हो गई और टेक्स्ट वाली ये लेयर अलग हो गई है। ठीक है ना, जब भी हम एक टेक्स्ट लिखेंगे ना, उसकी लेयर अलग हो जाएगी, याद रखिएगा। और इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए कंट्रोल टी से हम इसका साइज़ छोटा बड़ा करते हैं। ठीक है गाइस, ये आपको पहले भी पता है, इसके ये इन पॉइंट से हम इनका साइज़ बड़ा करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसे डी सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। अब गाइस, ये तो मैंने लिख लिया, अभी मैं इसको बड़ा अगर डबल क्लिक करूँगा ना, तो देन मैं अगेन इसे रीराइट कर सकता हूँ, दोबारा लिख सकता हूँ। ओके गाइस, अब हम देखते हैं इसके फीचर्स, इसकी प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। मैं इतने से इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया। अभी ये जो उनका पहला ऑप्शन आ रहा है गाइस, इसे जब हम करेंगे ना, देखेंगे, तो ये हमारे पास आ रही है लैंग्वेजेस। ये सारी अडोब फोटोशॉप हमें लैंग्वेजेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस और बड़ी औसम औसम लैंग्वेजेस हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हो अपने टेक्स्ट में। ठीक है ना, लाइक दिस, ये देखें। और अगर आपने और भी यूज़ करनी है तो आप ये कर सकते हैं, या अगर आपने फिर और की यूज़ करनी है तो आप इनमें से ये भी कर सकते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन गाइस, अगर आपको इन में से भी ज़्यादा, मतलब इन में से नहीं, और आपको चाहिए लैंग्वेजेस, देन आप और भी डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से। ओके, गूगल से आप कर सकते हो, लाइक दिस। अगर आप यहाँ देखो ध्यान से, तो ये एक मतलब 0-0 बना आ रहा सब पे, लेकिन ये जो उनकी लैंग्वेज है, इस पर 0 नहीं आ रहा, क्लाउड का निशान आ रहा है, आइकॉन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मैंने डाउनलोड की हुई है, ये लैंग्वेज मैंने डाउनलोड किया है, या ये वाली लैंग्वेज मैंने डाउनलोड किया है, इसलिए ये क्लाउड का एरो आ रहा है मेरे पास। ठीक है ना, अगर आपने भी, अगर आपको भी अच्छी लगती है लैंग्वेज, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो ईजीली। आप जाके गूगल पे जस्ट लैंग्वेज का नाम लिखो और वो डाउनलोड हो जाएगी। ओके गाइस, तो ये हो गया। अभी हम इसे थोड़ा साइड पे करते हैं, वी प्रेस करके इसे मैं ट्रैक करता हूँ ऊपर की तरफ, और इसकी कॉपी एक ले लेता हूँ नीचे। एक मिनट गाइस, अभी आपको पता होगा कॉपी मैंने कैसे ली, जस्ट आल्ट होल्ड रखा और उसके अंदर से एक और कॉपी निकाल ली। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम करने वाले हैं गाइस, आपको पता तो चल गया होगा लैंग्वेजेस, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सी ऐसी हैं जो आपको समझ ही नहीं आएंगी, ठीक है गाइस, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, तो थोड़ी समझ आती हैं, थोड़ी नहीं आती। जैसे आप देख रहे हो, इमोजीज वाली लैंग्वेजेस हैं कुछ, लाइक दिस। ठीक है, ये इमोजीज वाली हैं, यहाँ से आप, ये भी एक टूल बार आ गया, यहाँ से भी आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आप इसे छोड़ो, आप लैंग्वेजेस की तरफ ही ध्यान दो अभी। अच्छा, ये मैंने किया। अब नेक्स्ट ये वाला ऑप्शन है, ये क्या गाइस, ये होता है बोल्ड करने के लिए और इटैलिक करने के लिए। लेकिन कुछ कुछ लैंग्वेजेस हमें प्रोवाइड करती है बोल्ड करने के लिए और इटैलिक करने के लिए। ठीक है, लाइक ये जो सी लैंग्वेज मैंने यूज़ की है, ये एलिफेंट इसका नाम है। मैं अगर इसे बोल्ड, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली बोल्ड है, ठीक है, और अगर मैंने इसे इटैलिक करना, तो मैं इटैलिक भी कर सकता हूँ, ये आप देख रहे हो। ठीक है गाइस, बोल्ड कर लो या इटैलिक कर लो। और अगर हम और की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो फिर हमारे पास ऑप्शन, इसमें बोल्ड का ऑप्शन आ रहा है अलग से और रेगुलर का आ रहा है। ठीक है, अगर और की हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं ये वाली, तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं, लाइक लाइट, और इसके अलावा ये बोल्ड, और बोल्ड के अलावा इटैलिक बोल्ड भी आ गया। ठीक है, और अगर हम और की लैंग्वेज यूज़ करके देखें, तो उसमें भी आई थिंक जस्ट बोल्ड ही आ रहा है। ठीक है, ऐसी बहुत सी लैंग्वेजेज है जो हमें कुछ प्रोवाइड करती हैं ऑप्शंस और कुछ नहीं करती। ठीक है गाइस, अगर इसके अलावा आप देखो और आपको नज़र आ रहा है ये ऑप्शन, ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या करती है, मैंने जस्ट पी जस्ट लाइक हम इसे, मैं एक और यहाँ लिखता हूँ, मासूम लड़का, ये मैंने लिखा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया मासूम लड़का। अभी मैं इसकी राइटिंग थोड़ी चेंज कर दूँ, क्योंकि ये राइटिंग मुझे अच्छी नहीं लग रही।
ये क्या है? अब ऐसे कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं ये कर लेता हूँ थोड़ी एलिफेंट टाइप। ठीक है, ये तो वो ही है जी, ये हो गई। ओके गाइस, ये डन करते हैं। तो अच्छा, अभी हमने क्या करना है, इनका साइज ज़्यादा बड़ा करना है। अच्छा साइज, जब हम, अच्छा मैं यहाँ से ये करता हूँ, ये साइज है, मैंने ये कर दिया लेकिन साइज तो नहीं हुआ। गाइस अगर आपने अल्फाबेट किसी का साइज ज्यादा करना है ना, उसे सेलेक्ट करना है पहले, देन साइज को ऊपर नीचे करना है। ठीक है गाइस, ये आपको नजर आ रहा है, पहले मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ देन साइज को यूज कर रहा हूँ। ये भी हो गया और ये भी कर लिया। ओके गाइस, ये हो गया साइज का, आपको पता चल गया कि साइज कैसे हम छोटा बड़ा करते हैं अपने टेक्स्ट का, अपने फॉन्ट का। अच्छा, तो अब इसके अलावा गाइज, अगर हमने कलर चेंज करना, मैं जब से मैं लिख रहा हूँ आपको पता रेड ही आ रहा है, लेकिन मैंने अगर कलर चेंज करना है देन मैं क्या करूँ गाइज? मैंने सेलेक्ट करना है जिसका मैंने कलर चेंज करना है, ये मैंने सेलेक्ट किया इतना सा दो अल्फाबेट अपने, और यहाँ से मैंने कलर ले लिया। अब यहाँ से मैं कलर कोई भी चूज़ कर सकता हूँ, ये मैंने कलर अगर चूज़ किया तो वो देख लो, अब कलर हो गया उसका। और इसका भी मैं यही कर लेता हूँ यहाँ से ड्रॉप से, और मैं आपको ड्रॉप का भी बता देता हूँ, ड्रॉप हम क्यों यूज़ करते हैं गाइज। ये मैंने कलर, ये मैंने सिलेक्शन की और मैं कलर्स के टैब पे आया, मुझे समझ नहीं आ रही ये कौन सा कलर है। ठीक है ना, अभी मेरा एरो इसके ऊपर ही है, कलर्स के ऊपर ही। मैं यहाँ से अगर ढूंढूँ तो कभी कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वही कलर नहीं आएगा। अगर हमने वही कलर लेके आना ना गाइज, तो अगर हम अपना एरो बाहर लेके जाएंगे ना इस टूल बार से, एक कलर पिकर से, तो हमारे पास ड्रॉपर आ जाएगा, देन हमें जो सा कलर चाहिए ना जस्ट उसको ऊपर क्लिक कर देना और कलर खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। ये सिलेक्शन हो गई कलर की। ठीक है, और इसके अलावा आगे हम, अगर ये चीज़ें जो गाइज, ये क्या है आपको उनका पता तो होगा, अगर आपने एमएस वर्ड यूज़ किया है या मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया है जिसमें हम फॉन्ट यूज़ करते हैं, तो ये उनके साथ ऑप्शंस होते हैं। ये क्या होता है, लेफ्ट राइट और मिड में। ये लेफ्ट है, अगर मैं लेफ्ट में करूँगा तो ये मेरा लेफ्ट पहले ही है, अगर मैं इसे मिड में करूँगा ये मिड में आ जाएगा, और ये राइट चला जाएगा। ओके गाइज, ये थोड़ा उल्टा जा रहा है लेकिन काम ऐसे ही करता है ये। ठीक है गाइज, ये अच्छा, ये थोड़ा ऑप्शन है, ये शार्पनेस, और आप, मैं इसे जूम करके दिखा देता हूँ, एक मिनट गाइस, ये मैंने किया जूम, अभी आप देखें, ये मैंने क्लिक किया ना, अभी मैं इसको अपन डाउन करता हूँ, ये आप देख रहे हो लाइन है, छोटे छोटे डॉट आ गए हैं। अगर मैं इसे करता हूँ शॉर्ट तो ये थोड़ा शार्प हो जाएगा, इसके अलावा अगर क्रिस्प आ जाएगा, ये छोटे छोटे फर्क है जो आपको बहुत ही डीपली जाके समझ आएंगे। ठीक है ना, ये मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का आपको पता है, अगर आपको HTML आती है तो स्ट्रॉन्ग में आपको बोल्ड करके दे देता है, ठीक है ना, ज़्यादा प्रोमिनेंट कर देता है, ये स्मूथ हो जाएगा। इसके अलावा ये कुछ ये ऑप्शन है, आप इन्हें रहने दो, विंडोज LCD लाइक फ्लॉप लैब है। ठीक है, इसे हम छोड़ते हैं और अब हम करते हैं नेक्स्ट यूज़। अच्छा नॉन नहीं था करना, स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। अच्छा नेक्स्ट यूज़ किया गाइस, इसे मैंने क्लिक किया, VPS करके मैं इसे डल करता हूँ, से भी डल किया। अब अगर हमें ये लाइक ऐसे सर्कल में चाहिए टेक्स्ट, तो हम क्या करेंगे? एक तो ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ टी प्लस करके एम लिखता हूँ, और मतलब कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये ए लिखा मैंने, देन एस लिखा, और इस एस की कॉपी ले ली, इस ए की कॉपी ले ली, इस एम की कॉपी ले ली, और ए की कॉपी को दोबारा सिलेक्ट करके मैं ओ करता हूँ। ठीक है गाइस, अब आप देखें, मैं चाहता हूँ कि ये मासूम ऐसे लिखाए, एम ओ चाहिए एस एस, अभी मतलब इतना कोई खास लिखा नहीं जा रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे आए। ठीक है गाइस, मतलब ये कोई डिजाइनिंग वगैरह आ जाए ये। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ करके, अगर मैं इसे सिलेक्शन करता हूँ इसकी, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है एक। ठीक है गाइस, ये रैप रैप होता है, मतलब कि रैप कर देना आप, ये देखो स्टाइल इसके, अगर आपने आर्क करना है तो आप, मैंने आर्क किया, ये आप देख रहे हो पीछे, ये अक्सर होते हैं स्कूल बोर्ड्स, स्कूल के जो से बाहर लगे होते हैं उनके नाम के लिए, ये मैं ऐसे कर देता हूँ। वैसे ये भी काम आते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना,
लेकिन डिपेंड करता है कि काम पे ये काम कैसे आएंगे या किसके काम आएंगे। काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस है, फ्लैग अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपने इन्हें कहाँ कहाँ यूज़ करना है। ठीक है गाइस, अभी ये मुझे अच्छा लगा कि मैंने कर लिया। 3D लाइकअप और हमारे पास आ जाते हैं। अब गाइस नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। ये कलर था, इसे हम लेंगे। अच्छा ये आ गया, ये यहाँ भी है ठीक है और यहाँ भी है। ओके गाइस, अब ये आपने बारीकी से थोड़ा समझना है, ये सारी वही चीज़ें हैं जो हम करके आए। ये पहले तो लैंग्वेजेस आ गई, आपको पता है ये सारे फॉन्ट हैं, फॉन्ट हमने चेंज नहीं करने। अब ये साइज़ आ गया ठीक है, ये भी नहीं चेंजना हमने, और इसे भी आप रहने दो, ये भी आपको इतना खास काम नहीं आएगा, जस्ट विथ ज़्यादा और ये है। अभी यहाँ से हम देखते हैं, ये लाइन की लाइन है, अगर हमारी डबल लाइनें होंगी तो ऊपर नीचे उसकी हाइट वगैरह को एडजस्ट करने के लिए है, और ये विथ को एडजस्ट करने के लिए। लाइक अभी मैं अगर इसे -100 करता हूँ तो सारे जो से मेरे अल्फाबेट्स हैं वही साथ साथ कुछ जुड़ जाएंगे लाइक दिस। ये देखें ए आर के, अगर मैं इसे यहाँ से 200 कर देता हूँ तो काफ़ी दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है गाइस, इसे मैं 0 ही रहने देता हूँ जो डिफ़ॉल्ट है हमारे पास, और इसके अलावा ये इन साइज़ को भी अपने रहने दो। और यहाँ हम आते हैं, ये टैली करने के लिए ठीक है, और ये सारे अल्फाबेट बड़े करने के लिए जो जो सा उन्होंने लिखा है, और ये T2 मतलब छोटा करने के लिए, T1 ये ऊपर। आपको पता है कि जब हम सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं लाइक हम लैंग्वेजेस में भी यूज़ करते हैं, HTML में भी अक्सर यूज़ करते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट के ऑप्शंस, और मैथमेटिक्स में हम इसीलिए यूज़ करते हैं आपको पता है पावर्स के लिए, और ये हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट वगैरह, और ये अंडरलाइन करने के लिए है अपना टेक्स्ट, और ये स्ट्राइक थ्रू करने के लिए। ठीक है गाइस, हम स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं, बस यही सारे ऑप्शन हैं इनमें। और ये तो कुछ पैराग्राफ्स का ऑप्शन है जो मैंने आपको पहले पढ़ाए हैं, और इसे हम क्रॉस करते हैं। गैस ये हो गया, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी सारे के सारे टेक्स्ट की कि हमने क्या क्या किया और कैसे कैसे ये हम कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सर लास्ट ऑप्शन है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है, जो हम पढ़ेंगे तो नहीं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वो ऑप्शन का, वो है 3D का। आप अपने टेक्स्ट को 3D भी कर सकते हो ठीक है। अब मैं से अगर तो आपके पास कोर i7 लैपटॉप है तो आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा, अगर आपके पास कोर i3 है ना तो मुश्किल है कि अफोर्ड करेगा वो ठीक है ना इस ऑप्शन को, क्योंकि ये ऑप्शन ना सारे के सारे वर्क प्लेस आपकी चेंज करने वाला है। अभी मैंने क्लिक कर दिया है, आप देख रहे हो कि इसने तो कुड नॉट कम्प्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द पाथ इज टू कॉम्प्लेक्स। अच्छा तो हम इसे करते हैं, जस्ट वो कह रहा है कि आपने लिखा ही ऐसा हुआ कि हम नहीं कर सकते। मैं यहाँ से एक अल्फाबेट लेता हूँ ठीक है, यहाँ मैं अडोब लिख देता हूँ, अडोब लिख दिया। अब मैं करता हूँ यूज 3D, अभी मैंने 3D यूज़ किया, अभी देखते हैं कि ये ऑन होगा कि नहीं। अच्छा वो कह रहे हैं कि आपको वर्क प्लेस चाहिए 3D वाली, मैंने कहा जी हाँ जी चाहिए, मैंने यस कर दिया। ये सारी की सारी वर्क प्लेस आपकी चेंज हो रही है, अभी स्टार्टिंग है चेंजिंग की, अभी आप देख सकते हो कि क्या क्या होगा। अच्छा तो कहीं ये आ गया है कि ये जो सा 3D वाला काम है ये बड़ा प्रोफेशनल होता है ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल। मैं अपनी जो सी नेक्स्ट क्लासेस हैं उसमें बताऊँगा। तो गाइस ये आप देख रही हो कि 3D, अगर आपने यूनिटी सॉफ्टवेयर यूज़ किया, यूनिटी सॉफ्टवेयर मतलब जिसमें हम गेम्स बनाते हैं, तो उसमें भी 3D का काम है काफ़ी ज़्यादा। तो अगर तो आपको वो आता है तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो ठीक है। अभी इसके सारे एरोज हैं ये कि आपने इनके साथ कैसे खेलना है, और ये रोटेशन वगैरह आ जाएगी ठीक है गाइस, और मूवमेंट वगैरह एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं इसमें ठीक है गाइस। और इसकी लेयर्स आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बन गई है अडोब की। अब गाइस हम इसे करते हैं, यहाँ से बैक जाते हैं क्योंकि ये आपने आई थिंक नहीं सीखना, अभी मैंने सिखाना भी नहीं है वैसे ये। हम अपनी ओरिजिनल वर्क प्लेस पे आते हैं एसेंशियल पे, और जो हमारी ये वाली वर्क प्लेस है इसे हम हाइड कर देते हैं। तो गाइस हम अपने वर्क प्लेस पे अपनी दुनिया में आ गए हैं 3D से निकल के ठीक है गाइस। तो
अब अच्छा अभी ये थोड़ा आई थिंक लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो ये एक छोटी छोटी दो ऑप्शन और हैं वो भी आपको बता दूँ। ये वर्टिकल है, हम अक्सर वर्टिकल भी यूज़ करते हैं अडोब फोटोशॉप। ये मैंने वर्टिकल में लिखा है, ठीक है गाइस। अभी तो मैं इसे ये करके इसका साइज आपको थोड़ा करके दिखाता हूँ कि वर्टिकल में भी लिखा जाता है। ये अडोब फोटोशॉप ही हमें प्रोवाइड करता है वर्टिकल, ठीक है। ये जिस इसके ऊपर लाइन आ रही है हम वो ख़त्म करते हैं यहाँ से। ये लाइन खत्म हो गई। ओके गाइस, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हम वर्टिकल भी लिख सकते हैं। अब गाइस जो सी लास्ट चीज़ है वो मैं आपको इमेज के ऊपर करके दिखा देता हूँ। हाँ ये इमेज मैंने चूज़ की, इसे ओपन करते हैं, इसकी कॉपी। अच्छा गाइस तो हमने कॉपी ली। अब गाइस यहाँ एक ऑप्शन है ये वाला वर्टिकल टाइप मास्क टूल, ठीक है। वैसे तो मैंने आई थिंक आपको मास्क टूल पर हरा दिया है, लेकिन फिर भी ये मास्क टूल क्या करेगा, मैंने सिलेक्शन की और मैं इसका थोड़ा साइज कर दूँ थोड़ा और इनफ है। यहाँ मैं लिखता हूँ अडोब अडोब फोटो शेपिंग शॉप। मैंने ये लिखा जस्ट, ठीक है। मैं ओके करता हूँ तो आप देखिएगा कि ये हमारे पास सिलेक्शन हुई आ गई है, ठीक है गाइस। आपको समझ आई कुछ? अभी मैं डीसेलेक्ट करता हूँ तो आप देख रहे हो गाइस, अगर आप ध्यान से देखो ना, असल में ये लिखा हुआ है लेकिन हमें नज़र कोई नहीं आ रहा। ये देखो ये लिखा हुआ है पी, हाँ ये देखो ओ एच एस गाइस। ये मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ये जो सा एरिया होगा इसे पिक कर लेगा, और सेकंड ऑप्शन सेकंड बात ये है कि ये कलर को पिक करता है जो कलर बैकग्राउंड पे हो, ठीक है गाइस। मसूम का मैंने लिखा, मैं ओके करता हूँ, ठीक है गाइस। ये मैंने ओके कर दिया। अभी वैसे तो आप आई थिंक यहाँ कलर भी यूज़ कर सकते हो गाइस, अगर मैं कलर यूज़ करना चाहूँ तो आप ये देख रहे हो गाइस कोई भी कलर कर सकते हो यहाँ। और मैं यहाँ से ये पिक करके यहाँ ये कर देता हूँ, ओके। अभी मैं यहाँ से डीसेलेक्ट करता हूँ और ये आप देख रहे हो लिखा आ गया। अभी हम इसे मूव नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। जस्ट लेयर मूव कर सकते हैं लेकिन ये मूव नहीं कर सकते। तो आपको वैसे उम्मीदा समझ आ गई होगी। और ये लास्ट वाला जो सा है ये वर्टिकल में आपको ऐसी सिलेक्शन करके दे देगा जो आपने लिखना होगा। ये मैंने कुछ भी लिखा है और मैंने ओके कर दी है, हमें सिलेक्शन इसने करके दे दी है। अभी इस सिलेक्शन को हम उठा के कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ डी सेलेक्ट कर देते हैं। ओके गाइस तो इसे हम कैंसिल करते हैं। तो गाइस ये आपने आई थिंक काफ़ी अच्छी आपको समझ आ गई होगी टेक्स्ट की। अभी आपको जाके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, टेक्स्ट लिखो, अपने नाम लिखो, अपने रिलेटिव के नाम लिखो, अपने दोस्तों के नाम लिखो, और हो सके तो उन्हें उनके नाम के वॉलपेपर्स बना के सेंड करो। इनमें आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और वो भी खुश हो जाएंगे, ठीक है गाइस। लूडो को बंद करो और प्रैक्टिस स्टार्ट करो। ओके अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।